हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। नई सुबह, नया दिन। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं कि आर्मेनिया कौन कौन से वीज़ा हमें प्रोवाइड करता है इंडियन के लिए। जैसे हम 21 दिन का स्टे वाला लेके आते हैं वीज़ा, 90 दिन की वैलिडिटी होती है। तो और भी कई तरीके के वीज़े हैं, और अगर आप आर्मेनिया आ रहे हो तो कौन सा वीज़ा आपके लिए बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, बाकी सारा कुछ बताऊँगा आगे चल के। वीडियो को देखते रहना। काफ़ी तरीके के वीज़े हैं जो हमारे लिए बेस्ट हैं आर्मेनिया आ रहे हो अगर, तो वो काफ़ी फ़ायदा देंगे आपको। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कुछ जो मेन वीज़ाज हैं, बहुत सारे वीज़ाज हैं, बिजनेस वीज़ा और भी कई तरीके के वीज़ा हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 6 वीज़ा बताऊँगा जो यूज़फुल हैं और किस तरह से हमें मिल सकते हैं वो वीज़ा। तो सबसे पहले एक तो होता है 90 दिन की वैलिडिटी वाला, जो मोस्टली आर्मेनिया आ रहे हैं इंडियंस, वो 90 दिन की वैलिडिटी रहती है। हम उस वीज़ा पर 21 दिन तक रह सकते हैं आर्मेनिया, ठीक है, तो सबको ही पता होगा। और उसकी फ़ीस कुछ $7 है, $7, वो ये 3000 AMD द्रम, और ये 3 दिन वर्किंग पीरियड में आ जाता है अगर आप अप्लाई करते हो। डॉक्यूमेंट्स सारे चेक कर लेना वेबसाइट पर, कौन कौन से मांग रहे हैं उसमें लगा के, खुद से भी अप्लाई कर सकते हो आप, नहीं तो अगर मुझसे लेना चाहो मैं भी निकलवा के दे सकता हूँ आपको 2-3 दिन में। बाकी और एक दूसरा वीज़ा जो है वो होता है 180 डेज वैलिडिटी पीरियड का, वो वीज़ा सबसे अच्छा है, बताता हूँ क्यों। 180 दिन की वैलिडिटी रहती है वीज़ा की, तो आप उससे 120 दिन तक आर्मेनिया में रह सकते हो। 120 दिन रहने के बाद अगर आप चाहो तो उसे 60 दिन के लिए बढ़वा भी सकते हो, एक्सटेंड करवा सकते हो। और जो 21 दिन की वैलिडिटी वाला होता है, 21 दिन का स्टे वाला, उस वीज़ा को आप एक्सटेंड नहीं करवा सकते। तो 120 दिन वाला वीज़ा अच्छा है, और उसकी फ़ीस कुछ $39-40 के करीब है, नहीं है ज़्यादा महंगी, 3000 या 3500 का पड़ेगा। और उसको बढ़वाएंगे कैसे हम यहाँ आने के बाद, वो भी आगे चल के बताऊँगा अभी। और एक वीज़ा है 60 दिन का मल्टीपल एंट्री, 60 दिन स्टे वाला मल्टीपल एंट्री है, आप आर्मेनिया आ जा सकते हो बीच में कभी भी। जैसे मान लो आप 5 दिन बाद आर्मेनिया से बाहर चले गए और फिर से आपको आर्मेनिया आना, तो उसी वीज़ा पे आप आर्मेनिया एंट्री कर सकते हो, वीज़ा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस वीज़ा की फ़ीस जो है आपकी करीब जाएगी $52-53 है एवरेज मल्टीपल एंट्री वीज़ा 60 दिन का स्टे वाला, $60 में आपको मिल जाएगा। लेकिन ऑनलाइन इसका कहीं पर भी सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है शायद एम्बेसी से मिलेगा ये। और एक वीज़ा है 120 दिन का स्टे वाला मल्टीपल एंट्री, उसमें भी यही है, 3 महीने तक आप, 4 महीने तक आर्मेनिया आप आ जा सकते हो। अगर आपका मान लो ट्रैवल हिस्ट्री बनाना है आपको दुबई से आर्मेनिया, आर्मेनिया से कहीं और फिर वापस आर्मेनिया आना है, तो ये वीज़ा सबसे अच्छा है, 4 महीने तक आप आ जा सकते हो एक ही वीज़ा पे। तो TRC में पैसे ख़राब करके करने से क्या फ़ायदा है, 4 महीने का जब हमें वीज़ा मिल गया मल्टीपल एंट्री, इंडिया जाओ वापस आ जाओ, 80-90 हज़ार रुपये TRC में लगाने का क्या मतलब। इसकी फ़ीस कुछ $104-105 है करीब, $105 है एवरेज। तो ये वीज़ा भी एम्बेसी से ही मिलेगा, और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है अगर आपका आने जाने का काम है या बिजनेस है कोई, तो ये वीज़ा आप लगवा लो, बेस्ट है। बाकी आपको और दो तरह के वीज़ा मिलते हैं, एक होता है 3 दिन का सिंगल एंट्री वीज़ा आर्मेनिया, 3 डेज सिंगल एंट्री वीज़ा, मतलब मान लो कि ट्रांजिट वीज़ा है। तो जैसे आप मान लो आपका कहीं आपको जाना है दूर, रसिया जाना है या किसी और कंट्री में, तो आप चाहो तो 3 दिन वाला सिंगल एंट्री वीज़ा ले सकते हो आर्मेनिया का। इसकी $26 के करीब फीस है, 10,000 AMD। और एक 3 दिन का वीज़ा मिलता है, वो है मल्टीपल एंट्री वीज़ा, वो जो मैंने पहले बताया था वो सिंगल एंट्री था, ये 3 दिन का जो है मल्टीपल एंट्री, आप आ जा सकते हो इसमें। इसकी फ़ीस कुछ $47-48 है, लेकिन 3 दिन का मल्टीपल एंट्री लेकर वीज़ा होगा क्या, एक दिन आएगा रुक कर वापस चलेगा फिर दोबारा आ ही नहीं पाओगे,
तो ये तो यूज़फुल नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी मेन पॉइंट, अगर आप आर्मेनिया आ रहे हो तो मेरे हिसाब से आप, अगर आपके पास पैसे हैं, बजट सही है आपका, तो 120 डेज स्टे वाला वीज़ा ले लो और उसको 60 दिन के लिए एक्सटेंड करवा लो। यहाँ आकर ऑफिस में जाना पड़ेगा आपको, इमिग्रेशन ऑफिस में, सही है। वहाँ जाने के बाद इसकी फीस आपको कुछ 2 महीने के $60 आपको देना पड़ेंगे, मतलब पर डे के हिसाब से $1। अगर आप आर्मेनिया में रहते हो तो मान लो $1 आपका रोज़ का यहाँ रहने का खर्चा जाएगा, सिर्फ यहाँ पे रहने का, रहने खाने का नहीं, अलग वो अलग, और ये सिर्फ रहने के लिए $1 आपका डेली का जाएगा। मान लो 60 दिन रुक रहे हो, आपको तो $60 पे करना पड़ेंगे। बाकी अगर आपका वीज़ा अभी एक्सपायर नहीं हुआ है 120 डेज वाला, तो 5 दिन पहले ही आप ऑफिस में जाओ, वहाँ बताओ, आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, फिर आप 180 दिन तक आर्मेनिया में रह सकते हो। तो ज़्यादातर लोग जो आर्मेनिया आ रहे हैं 2 महीने 3 महीने में वापस चले जाते हैं, माहौल समझ में नहीं आता उनको। धूप बहुत ज़ोर की निकली, माहौल समझ में नहीं आता। अभी आप भी अगर पहली कंट्री है आपकी आर्मेनिया और आने की सोच रहे हो, तो 120 दिन वाला वीज़ा निकाल लो या निकलवा लो किसी से, थोड़ा महंगा पड़ता है और श्योर शॉट भी नहीं रहता ये वीज़ा, रिजेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हो तो 120 दिन वाला ही वीज़ा अप्लाई करो, क्योंकि इसमें फ़ायदा है, 60 दिन बढ़ा सकते हो आप यहाँ आने के बाद और 120 दिन तक लीगली रह सकते हो, तो 10,000 का फ़ाइन देने की ज़रूरत नहीं है। $50 का भी मुश्किल से है, 3-4 हज़ार रुपये का वीज़ा है, तो 10,000 रुपये क्यों दोगे यहाँ आने के बाद। बाकी और भी कई तरीके के वीज़े हैं, बिजनेस वीज़ा हैं, वो काम के नहीं है हमारे, तो क्या फ़ायदा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।